हाय फ्रेंड, आज हम लोग आपको बताने वाले हैं जीवन सुरक्षा मंत्र। ये जो जीवन सुरक्षा मंत्र है, ये जो लोग जो पावर सेक्टर या बिजली विभाग में जो काम करते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग अगर जो सभी लोग ये जो कॉमन लोग भी है जो बिजली से रिलेटेड काम करते रहते हैं वो इसे ध्यान से सुने। ये आशीष जी हैं, ये आपको बताएंगे जीवन सुरक्षा मंत्र। ये हमारे जीवन सुरक्षा मंत्र 20 है। नंबर 1 है, जीवन अनमोल है, दुर्घटना से बचाव करें। मतलब अपना जीवन है जो बहुत अनमोल है, जिसे हमें दुर्घटना से बचाव करना चाहिए। नंबर 2 है, सुनिश्चित एवं पूर्व निर्धारित कार्य ही करें, यानी हमें पहले सोच समझकर कार्य करना चाहिए, क्या करना क्या कर रहे हैं। तीसरा है, बंद करो, काटो, अर्थ करो, फिर उपकरण पर कार्य करो। मतलब तीसरा जो पॉइंट है, सबसे पहले हमें लाइट को बंद करना चाहिए और आइसोलेट को ओपन करना चाहिए, उसके बाद हमें काम करना चाहिए। चौथा है, लाल पट्टी का इस्तेमाल करें, जीवन बचाइए। मतलब जो भी हम कार्य कर रहे हैं पहले उसको हम लाल पट्टी से घेर देना चाहिए कि यहाँ पे खतरा है। नंबर 5 है, परमिट का हो जाए काम, समय बचे तो अगला काम। मतलब परमिट देने के बाद अगला काम समय बचे तो अगला काम करना चाहिए। छठा पॉइंट है हमारा, सिर पर हेलमेट पहने, उसके बाद ही काम के लिए कदम रखें। जो हमारा सिर है बहुत ही नाजुक है, इसलिए हमें हमेशा यार्ड में कार्य करने के लिए सबसे पहले हेलमेट पहनना चाहिए, जिससे हमारा सिर सुरक्षित रहे। 7वां पॉइंट है हमारा, अपनी सुरक्षा के लिए सेफ्टी बेल्ट का उपयोग करें। मतलब अपनी सुरक्षा के लिए हमें सेफ्टी बेल्ट का उपयोग करना चाहिए। 8वां है, सुरक्षा उपकरण के उपयोग में ही जीवन की है सुरक्षा। यानी हमें पूरा सुरक्षा उपकरण ले जाना चाहिए, जैसे हेलमेट हुआ, ये ग्लव्स है, ग्लव्स भी ले जाना चाहिए। ग्लव्स दिखाएंगे किस टाइप का ग्लव्स होता है। ये ग्लव्स है, इसे हमें 33,000 वोल्ट का करंट बचा सकता है, तो इसे हमें पहनकर जाना चाहिए। ओके, सेफ्टी शूज भी दिखाएंगे दर्शकों को। ये हमारा शूज है, यदि हमें कार्य करने से पहले यार्ड में जाने से पहले हमें शूज पहन कर जाना चाहिए। ओके, और सिर पर हेलमेट लगाना चाहिए। ओके, अपना अगला पॉइंट है 9वां, अर्थ पर रहना है तो सही अर्थिंग करें। यदि हमें कोई कार्य करना है तो सबसे पहले अर्थ ठीक से करना चाहिए, उसके बाद ही कार्य करना चाहिए। 10वां पॉइंट है हमारा, सुरक्षा नियमों का उल्लंघन ना करें। मतलब जो सुरक्षा नियम है उसका पालन करना चाहिए हमें। 11वां पॉइंट है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मतलब जो भी अपन कार्य कर रहे हैं उसे सावधानी पूर्वक करें, जैसे भी अपनी सावधानी यानी निगाह घटी तो दुर्घटना घट जाती है। 12वां पॉइंट है अपना, मेरा साथी कार्य कर रहा है, मैं उसे फोन पर नहीं बुलाऊंगा, आप संदेश लिखवा दें। जैसे कि कोई अपना कार्य कर रहे हैं दुर्घटना पर यार्ड में, तो उसे कोई काम है तो हमें फोन लगाना नहीं चाहिए, उसे वहीं जाके सूचना देना चाहिए। 13वां है, हड़बड़ी मचाए गड़बड़ी, यानी हमें कार्य करने कर रहे हैं तो हड़बड़ी नहीं करना चाहिए, सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए। 14वां पॉइंट है हमारा, स्वयं को सुरक्षित रखें, टीम एमपीपीटीसीएल को सशक्त बनाए। मतलब कि जो हम काम कर रहे हैं उसे सुरक्षित पूर्वक करना चाहिए या अपनी कंपनी को मजबूत बनाए। अगला पॉइंट है 15वां, देखभाल करें, काम ब्रेक के बाद दे विसर्जन। जैसे हम ब्रेक लेते हैं तो उसके बाद डबल से यार्ड में अपन काम कार्य पर जाते हैं, तो सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए देखकर। अगला पॉइंट है हमारा, किसी भी चार्ज सीटी पीटी के डिटेल नोट करने का प्रयास ना करें। मतलब कि किसी भी चार्ज मतलब चालू लाइन पर सीटी पीटी को डिटेल नोट नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट है, काम के दौरान मोबाइल को दे आराम, मोबाइल बंद रखें। यदि हम कार्य कर रहे हैं तो मोबाइल ऑफ करना चाहिए। अगला पॉइंट है, याद रखें, बच्चे घर पर इंतजार कर रहे हैं। मतलब हमारे
बच्चे घर पे इंतजार कर रहे हैं, जो भी घर, उसे हम सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए। अगला पॉइंट है, सोचे आप क्या करने जा रहे हैं, मतलब हमें ध्यान रहना चाहिए कि क्या कार्य कर रहे हैं हम। 20वां पॉइंट है, ध्यान रखें अपना जीवन कंपनी के लिए अनमोल है, मतलब हमारा जो जीवन है बहुत अनमोल है, इसे अपने परिवार और कंपनी के लिए ध्यान से कार्य करें।